दोस्तों नमस्कार, हम काम करते हैं दोस्तों, ब्लाउज का काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं। तो ऐसा कोई दुनिया में टेलर नहीं है दोस्तों जिसके पास अल्ट्रेशन नहीं आया हो, या फिर ऐसा है कि एक बार में जो बना दिया वो परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं कुछ कड़ा हो गया, कुछ ढीला हो गया, कुछ लूज हो गया, इस प्रकार की समस्याएं आती रहती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो प्रकार की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। इन दोनों समस्याओं को बड़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, और दोनों समस्याएं बड़ी कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान देने पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या के बारे में जिक्र करते हैं। दो प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो सबसे पहले बात यह दोस्तों, यहां पर जैसे आर्म होल टाइट हो गया या फिर चेस्ट लूज हो गया, दोस्तों दोनों का जो सॉल्यूशन होता है थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आर्म होल ढीला हो गया, यहाँ पर जैसे टाइट हो रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से जो सिलाई रहती खोल देते हैं और इसको यहाँ से सिला कर देते हैं। होता क्या है, इससे आपका जो आर्म होल मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये भुजा, ये राउंड तो ढीला हो जाता है, मगर उसके वजह से चेस्ट भी ढीला हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा है दोस्तों कि आर्म होल, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर 36 इंच का आर्म होल कितना होगा, तो 35 इंच का, कोई जरूरी नहीं दोस्तों, क्योंकि 35 इंच जिसका आर्म होल है कभी कभी उसका 15 भी हो सकता है, 35 इंच इसी का श्रेष्ठ है, उसका आर्म होल 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, मतलब हर मेजरमेंट में अलग अलग होता है, एक जैसा कोई किसी का ये नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कोई भी आदमी जेरस कॉपी नहीं, सबका मतलब अपना फिगर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसको ऐसा करने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, इसको पूरा खोल लें, अस्तिन को पूरा खोल लेने के बाद आपको दो तरीका बता रहा हूं। पूरा खोलने में एक बात, सबसे पहला तरीका यह है दोस्तों, जैसे सिर्फ आपको आर्म होल को लूज करना है, मतलब आर्म होल टाइट हो रहा है, बाह में नहीं घुस रही है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, इसको ढीला करने के बजाय आप इसको यहां से काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद हल्का सा आप अस्तिन को भी ढीला कर दीजिए, उसके बाद फिर से फिट कीजिए। आपको अस्तिन को खोलना ही पड़ेगा, आप चाहे तो पूरा ना खोलें, यहां तक ही खोल सकते हो, मैंने पूरा खोल दिया, अलग मैटर है। अब दूसरी समस्या आती है दोस्तों चेस्ट की। चेस्ट जैसे मान लो किसी का दोस्तों यहां पर ढीला हो गया, फुलान आ रही है, तो उसको क्या करेंगे आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इधर ही से इसको सीधा सीधा ऐसे दबा देते हैं, ऐसे इस प्रकार से दबा देते हैं, तो होता क्या है, इसे चेस्ट तो टाइट हो जाता है दोस्तों, साथ ही साथ आर्म होल भी टाइट हो जाता है, इससे अलग पूरा समस्या आती है, मतलब वो ब्लाउज सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। तो कहने मतलब ऐसा दोस्तों, इसमें भी आपको वही करना होगा, इसमें पहले यहां से इसको टाइट करना होगा इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, उसके बाद इसको आर्म होल को खांच कर इसको फिट से, क्योंकि दोस्तों आप चेस्ट को टाइट कर रहे हैं, आर्म होल को टाइट नहीं करना है, तो आर्म होल को जस के तस रखना है, इसको मत कीजिए। अब तीसरी और सबसे बड़ी समस्या आती है जिसके बारे में मैं आपको सलूशन दे रहा हूं, वो होता है दोस्तों कभी कभी हम बनाते हैं, तो जैसे यहां पर ब्लाउज बनाए हैं, इसका पफ जो है सही नहीं बन पाया है सपोज, अब वो कह रही है कस्टमर कि हमारा जो चेस्ट है दबने लगता है, तो उस चेस्ट को दबने से किस प्रकार से बचाया जाए ताकि आपका ब्लाउज का फिटिंग सही आ जाए, इसका ये सलूशन है दोस्तों। इसलिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, पहले आप कमर की पूरी सिलाई को खोल लें, जो एडजस्टर सिलाई होती है उसको खोल लें। खोलने के बाद जो सामने का हिस्सा है दोस्तों, यहां पर सामने के हिस्से में कम से कम यहां तक, जहां पर उसका वक्ष का चेस्ट का सॉरी बस्ट का पॉइंट है, वहां तक यहां पर एक डॉट लगा दीजिए, ऐसे इस प्रकार से डॉट लगा दीजिए। उसके बाद जितना उसका कमर है फिर उतना ही उसको रख दीजिए, उससे उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर डांट लगा देंगे, इस प्रकार से मान लो इसका चेस्ट पहले कमर था 30 इंच और आपको यहाँ पर चपटा हो रहा है, और उस कस्टमर कह रही है कि उसको कमर ठीक है, आपका ये दब रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, डांट लगा देना है यहाँ पर, इस प्रकार से डांट लगा दीजिए, और डांट लगाने के बाद उसके कमर को फिर से 30 इंच कर दीजिए। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर का स्थान बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो पफ के पास होता है एक इंच इधर से एक इंच इधर से, 2 इंच और लूज हो जाएगा, दबने की जो मतलब चेस्ट जो दब रहा होता है उसकी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से 2-3 प्रॉब्लम का जो रहता है दोस्तों, जो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।